अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी है। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने चारकोल मास्क के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चारकोल मास्क के बारे में। तो इसको मैं किस तरह आप लोग घर में बना सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन को ये लाइट करता है, क्लीन करता है, सनबर्न से बचाता है, हमारे चेहरे पर एक्स्ट्रा पसीना आता है उसको भी ख़त्म करता है, हमारे सारे ओपन पोर को ख़त्म करता है, अंदर तक जाके ओपन पोर को क्लीन करता है। तो आप लोग देखिए मैं आप किस तरह बनाती हूँ, और आप लोग भी अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो साथ में ये जिसने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और थम्स अप भी दिया कीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मेरे साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मैं 3 स्पून हल्दी के ले रही हूँ, 3 टीस्पून है हल्दी के, और इसको 3 टीस्पून हल्दी को लेकर मैं इसको फ्राई पैन में हल्दी को सेकूंगी, अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि मैं चारकोल मास्क बना रही हूँ तो मैं हल्दी से बना रही हूँ। हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये एंटीबायोटिक होती है और वो हमारी स्किन को अंदर तक जाके उसको क्लीन करती है, हमारे कलर लाइट करती है। आप सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं कंटिन्यू हल्दी को भून रही थी। हल्दी में से इतना ज़्यादा भून के ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, चारकोल की तरह हो जाएगा, इसमें से आग लगने लगेगी। और जब आप देखेंगे आग लगने लगी है इसके अंदर, तब आप चूल्हा बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप कोकोनट के छिलके का भी बना सकते हैं, कोकोनट के छिलके का भी बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। आपके पास ऑप्शनल में है कि आप हल्दी का बनाना चाहें तो, एक्चुअली गर्मी है तो इसलिए हल्दी के लिए मैंने बताया, ताकि हल्दी आपकी स्किन को बहुत हेल्थी रखती है और जो पसीना वगैरह आता है उससे स्टिकी हो जाती है आपकी स्किन, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है और आपको बहुत आपकी स्किन को हेल्थी रखेगी। आपके पिंपल्स होंगे उनको भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि आपके खून को लाइट करेगी, अंदर तक जाके उसको क्लीन करेगी, आपके जो ओपन पोर होते हैं उनको भी भर देगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हल्दी के तो अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप, मैंने इसीलिए आपको हल्दी का बनाने का बता रही हूँ, ताकि आप लोग देख सकते हैं ये कंटिन्यू भून रही हूँ मैं इसको। ऑलरेडी जब इसके अंदर आग लगने लगेगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये इतना हेल्थी मास्क बना रही हूँ कि आप लोग देखेंगे तो आप यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसको बनाकर अपने पास स्टोरेज कर सकते हैं, आप इसको जार में भर के रख सकते हैं, कम से कम आप इसको वीक में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये भून चुका है, ऑलरेडी ये डार्क होने लगा है। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में इसमें आग लगने लगेगी, ये बिल्कुल चारकोल की तरह जलने लगेगा कि, तो इसको उस वक्त फिर मैं इसका ओवन बंद कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर आग लग रही है अभी। और इसकी इसके अंदर से एक स्मेल निकलती है, इसकी खुशबू होती है, वो तो बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी स्किन जाएगी तो आपके अंदर के भी सारा बहुत इससे फ़ायदा होता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें आग लग गई थी सारा कुछ। अब मैं इसको ठंडा करूंगी, ठंडा करने के बाद इसको मैं बॉल में डालूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 स्पून लिए थे, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम चल जाए। मैंने इतना बनाया था कि मैं 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि सारे इसके अंदर बिल्कुल कोयलों की तरह जल रहा है। इसको इसके बाद मैं बॉल में डालूंगी, ताकि फिर वो इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ में किस तरह से इसका चारकोल मास्क बनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही थी कि इसको मैं किस तरीके से ठंडा कर रही हूँ। मैं नहीं जानती, आप लोगों ने ज़रूर बाहर से बाय कर लेकर आते होंगे चारकोल मास्क, आपने कभी पहले यूज़ किया होगा, लेकिन जब आप अपना खुद का बनाकर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना फर्क फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखी मैंने हल्दी पूरी सारी डार्क कर ली है, लाइक कोयले की तरह आपने देखा कि जल गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आप लोग देखिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 स्पून ये हल्दी ली है, जो आपके सामने मैंने फ्राई पैन में सेकी थी अभी।
ये 2 स्पून हल्दी है। अब इसमें मैं ये शहद डालने लगी हूँ, इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब शहद डालूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने शहद ऐड किया है। अब इसमें मैं एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। जैसा कि मैं हर उसमें बताती हूँ कि जब भी कोई फेशियल करना है या कोई मास्क या फेस पैक बनाना है तो एलोवेरा जेल आपको बहुत हेल्प करती है, घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं 2 स्पून के करीब लूँगी, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एलोवेरा जेल भी डाल ली है इसके अंदर। अब मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ, ये लेमन जूस, ये भी 1.5 स्पून के करीब लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लेमन ऐड किया है। अब इसमें मैं शुगर डालूँगी। हमारे यहाँ शुगर बहुत पिसी हुई बारीक आती है और मोटी भी आती है, बट हम लोग बारीक यूज़ करते हैं। ये शुगर है पाकिस्तान में और इंडिया कंट्री में और बांग्लादेश में मोटी शुगर मिलती है, या आपके पास अगर जो भी अवेलेबल है तो वो ठीक है। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो चेहरे पे हम लोगों को मसाज करने में थोड़ा रेज करेगी, तो इसको बारीक कर लेना ही ठीक होता है। या आप देख सकते हैं ये मेथड बन चुका है, किस तरीके का बना है, बिल्कुल ही चारकोल मास्क की तरह बना है, आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मेथड तैयार कर लिया है सारा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत पतला नहीं है। तो अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर, तो आप लोग देखिएगा, आपके सामने ही लगाती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो लेमन से भी लगा सकते हैं, लेमन के साथ भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पहले की सारी डस्ट वगैरह हो वो अच्छी तरीके से हट जाए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, क्योंकि मैं चेहरे के ऊपर मेकअप और कोई लोशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेहरे के ऊपर कुछ भी हुआ तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई लोशन और कुछ भी चीज़ नहीं लगी हुई है, मेरा चेहरा बिल्कुल, मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा चेहरा साफ हो गया है। सो गाइस, आप लोग अगर चाहें तो आप लेमन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसको इस डीप करके और इस तरीके से, और अगर आपको लेमन के साथ नहीं करना है तो आप अपना हैंड भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने हाथों पर लेकर हमें कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे को इस तरह से रब करना है, ताकि ये हमारी स्किन के अंदर तक चली जाए। आपको पता है इसके अंदर सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चारकोल मास्क आप लोग बाहर से भी लेकर आते होंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कम से कम 15 मिनट तक आपको मसाज करना है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं कंटिन्यू इसका मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। और साथ में आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर जिन लोगों के चेहरे के ऊपर पिंपल हैं और दाने वगैरह हैं तो वो लेमन ऐड नहीं करें। ऐसे तो लेमन बहुत अच्छा है हम सब की स्किन के लिए, लेकिन जिनके अगर दाने या पिंपल होते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वो लेमन को अवॉइड कर दें। बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और लेमन की जगह थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं।
तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को बहुत हेल्थी रखता है। इससे आपका कलर आपको 3 वीक में ही आपको तीन एक एक दफ़ा के इस्तेमाल में पता चल जाएगा, और ये परमिनेंट आपकी स्किन को लाइट कर देगा कि इससे परमिनेंट आपका कलर, और फिर इसके बाद ये आपको दोबारा पिगमेंटेशन की आपको इससे परेशानी नहीं आने देगा। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इस तरीके से मैं 15 मिनट तक कंटिन्यू मसाज कर रही हूँ हल्के हाथ से, और इसके बाद इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि कम से कम 20 मिनट तक इसको मैं ड्राई करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू मसाज कर रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आप बाहर से लेकर आते होंगे, आप चारकोल मास्क आप लोग लेकर आप लगाते होंगे, लेकिन आपने घर का बना हुआ कभी भी नहीं देखा होगा। तो आप लोग सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। इसको मैंने 15 मिनट तक स्क्रब किया था, 15 मिनट के बाद मैंने इसको बैठ के वेट करा है ताकि ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं अब इसको निकालती कैसे हूँ अपने चेहरे से, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देखिए, ये आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि जब इसको मैं क्लीन कर रही हूँ तो ये आपको किस तरीके से इसका फ़र्क नज़र आएगा सारा, ये आप देख सकते हैं। इसको कोई पेपर टॉवल या कोई ऐसा बेबी टॉवल होता है तो उससे लेके आराम आराम से इसको क्लीन करना है, आराम आराम से इस तरह से इसको निकालना है। फ्रेंड्स, आप इसको कोई भी पेपर टॉवल या बेबी टॉवल थोड़ा सा गीला करके ठंडे पानी में उससे आप अपना हल्के हल्के इसे मास्क उतार सकते हैं। ये आप देखिए, मैं इसको उतार रही हूँ तो आपको मेरे चेहरे पर, मेरे स्किन पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितना क्लीन और कितना ग्लो आने लगता है। इससे इतनी एकदम शाइन आती है कि खुद को ही अच्छा लगने। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं अपना फेस वॉश कर कर आ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मुझे खुद को देख के कितना फ़र्क नज़र आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये आप देखिए, अभी थोड़ा सा ये रह गया था तो ये थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैं इसको साफ़ कर कर आई हूँ, और अब इसके बाद अभी शावर करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा सारा निकल गया है और चेहरा एकदम से कितना क्लीन लगने लगा है। इसके बाद आप चाहे कोई भी आपके पास अगर घर के अंदर मतलब कोई भी क्रीम है या कोई विटामिन ऑयल है तो आप अपने चेहरे के ऊपर इसके बाद वो लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से चेहरा क्लीन हो गया है, पूरा एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कहीं हमें पार्टी में जाना है तो हम खुद ही घर बजाय हम बाहर जाने के खुद अपना घर में कितना अच्छा फेशियल कर सकते हैं। आप देखिए, ये आपकी स्किन को वैसे ही वाइटनिंग करेगा और आपको ये जो आपके पिगमेंटेशन होते हैं उसको भी ख़त्म करेगा, आपको बिल्कुल फ्रेश बना देगा, स्किन को ग्लो करेगा बहुत ज़्यादा, आपके ओपन पोर को सारा अंदर तक जाके उसको क्लीन करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगने लगा है, खुद को ही बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे तो खुद को भी अभी देख के अपना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि वाकई कम से कम इसको हमको वीक में 2 दफ़ा करना चाहिए, दो बहुत ज़्यादा नहीं करें, 2 दफ़ा करें। हर चीज़ इसके अंदर वो है जो घर में अवेलेबल होती है, हमें कुछ बाहर से नहीं लाना सिवाय एक एलोवेरा जेल के, बाकी सब कुछ हमारे घर के अंदर मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क एकदम से अच्छे से बिल्कुल निकल कर आया है चेहरा, और अब इसके ऊपर मैं कोई सी भी क्रीम लगा लूँगी, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं विटामिन ऑयल रखती हूँ। अगर कुछ भी नहीं है, कोई लोशन नहीं है, तो हम इसको भी लेकर अपने स्किन पर लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ करी हैं सब बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नहीं भूलिएगा, मुझे अपनी ब्लेसिंग में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए, और मेरा ये पूरा व्लॉग देखिए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।